भाई मार्केट एंजॉय कर लो, जिसका मन है आने का लेकिन आ नहीं पा रहा वो एंजॉय कर लो यहीं से देख के। अभी तो भाई फाइनली बहुत मेहनत के बाद ये कमरा मिला भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। अभी हो रही है रात और गाइस हम जा रहे हैं आज अमृतसर। रात के भाई 3 बज रहे हैं, 2 बजे रात को ना सो गए थे, मतलब मैं तो जाग ही रहा था, गेम खेल रहा था भाई GTA 5। घर वाले भाई 1-1.5 घंटा सो गए थे, अभी सब उठ चुके हैं भाई। नीचे तवाई मची पड़ी है, कोई इधर भाग रहा उधर भाग रहा, खाना बन रहा है और पैकिंग अभी चल रही है, पैकिंग भी पूरी नहीं हुई पिछली बार। एक्चुअली क्या हुआ था, पिछली बार हम गए थे, हम बिल्कुल भाई एंड टाइम पर पहुँचे थे, बिल्कुल ट्रेन चल चुकी थी, चैन खींचनी पड़ गई थी भाई मैं ट्रेन की। तो बाकी अभी सब आज थोड़ा सा टाइम से उठ गया है और रेडी हो रहे हैं अभी। बाकी भाई अमृतसर चल रहे हैं, साथ में इंजॉय करेंगे, मज़े लेंगे, तो साथ में बने रहना। बाकी एक बार नीचे का व्यू दिखाता हूँ भाई, व्यू क्या मतलब नीचे का, जब भाग दौड़ मची पड़ी ना बढ़िया लगता है भाई, वैसे मज़ा आता है रात को सुबह सुबह उठ कर एकदम थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम, एकदम अंधेरा हुआ पड़ा अभी। बस भाई कुत्ते ही भौंक रहे नीचे, बस कहते भाई निकलो तुम्हें जाना है जल्दी जाओ। तो ठीक है नीचे चलता हूँ, एक बार नीचे का भी नज़ारा दिखाता हूँ चलो। तो भाई अभी नीचे आ गया, तो मैं दिखाता हूँ एक बार ना नीचे सुबह। देखो मैगी भी रेडी हो रही है, किसी का दूध हो रहा है, कॉफ़ी मेरी भाई ख़त्म यहाँ पे पड़ी है। और अभी ये देखो यहाँ पे दादी भी तैयार है, ये देखो पुलाव पैक हो रहा है अंदर डोलू में, दादी भी रेडी हो गई। दादी सुबह सुबह तैयार है ना फिर चलने के लिए, दादी ने अभी भाई जुगाड़ कर लिया खाने पीने का अंदर। और ये मैर अभी सो रही है, मैर अभी भी नहीं उठी, तो आधे से ज़्यादा दो होगी भाई। बच्चों का सही है, बच्चे मस्ती में पड़े रहते हैं, उनको पता है मैं उठा के चल देगी सीधा, सारी पैकिंग उनकी हो जाती है अपने आप। तो पापा गए नाने भाई, मम्मी का देखते हैं मम्मी होगी नहीं होगी रेडी। लो भाई मम्मी सबसे पहले तैयार होके बैठी मस्त, चाय भी चाय चल रही है, वो भी किसके साथ, मैरी गोल्ड के साथ भाई, बहुत बढ़िया। ये मम्मी का छोटा सा भाई बैग, और हमारे इतने बड़े बड़े कर दिए, उठाया भी नहीं जाएगा मेरे से तो, मेरा वाला भाई इतना बड़ा हो गया ना, उठाया भी नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है उसके अंदर ना पत्थर वत्थर भर दी कोई, तो चलो उठाना पड़ेगा भाई, क्या कोई दिक्कत नहीं है। क्या बना रहे हो? मैगी। मेरे को भी ला दो यार थोड़ी, खिला दो भूख लगी है, मिल जाएगी थोड़ी सी। नो मेहर की गजब बेइज्जती है भाई, मना हो गया, मुंह पे नहीं मिलेगी, 8-8 पैकेट पड़े कहते नहीं देनी नहीं, चलो देखते थोड़ी बहुत ले लेंगे भाई बातचीत करके। प्रेम सिंह कहाँ पे है, दिख नहीं रहा, अंदर बैठे। कितने बजे उठाया जी? 2 बजे। अच्छा इसको भेज देती मेरे साथ, मैं गेम खेल रहा था ऊपर ही और क्या, GTA 5 चल रही थी ऊपर मेरी भाई, बढ़िया भाई। ये थोड़ा थोड़ा सामान भूले जा रहे हैं, चौथा चक्कर लग रहा है मेरा ऊपर का, मस्त लोग हो रहे हैं, अंधेरा हुआ पड़ा किसी को पता नहीं है। इधर हम रेडी होके अपना जा रहे हैं भाई, मस्त तो चौथा चक्कर है, सामान लेना कोई भूल गए थे, चलते ऊपर एक बार जाते हैं सामान। प्रेम इस बार तो लोड़ नहीं पड़ेगी ना चैन खींचने की, भाई पिछली बार चैन खींचनी पड़ गई थी, बल्कि सब चढ़ गए थे ना वो डर के भाई क्या हो रहा है पता नहीं। चलो यार नहीं चलो तो खींचनी पड़ेगी, चलो 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 उठो। प्रेम का बैग देखो सस्ता वाला, एक एक ही है दो है, एक दो है। अच्छा वो बड़ा वाला, वो एक बड़ी वाली टेची शायद वो, अरे वो रही अच्छा ये रही, इधर सेम कलर है ना। क्या रह गया तुम्हारा? वॉच। बिना वॉच के नहीं जाया जाता। तो भाई भगवान का नाम लेके निकल रहे हैं, लगेज ले लिया और हमारी कैब भी आ गई भाई नीचे, तो अभी फटाफट से चलते हैं। सामने खड़ी कैब हमारी, वो देखो सामने, तो अब चलते हैं फटाफट अंदर, बाकी इनकी प्रेम की भी कैब आने वाली पीछे पीछे, क्योंकि भाई हमारी दूसरी कैब भी आ गई यहाँ पे। और एक येरी सामने भैया, भाई सही मिल गया हमें, भैया ने सारा सामान सेट करवा दिया। सुबह सुबह भाई भीड़ कितनी है आपने देखो, ये देखो मैं अभी भी सो रही, उठी नहीं मैं अभी तक,
इसका इरादा है नहीं उठने का। अगर तो भाई फाइनली पहुंच गए बीच में, मैं बोला नहीं कुछ भाई, क्योंकि एक बार बीच में गाड़ी ना टूटी गई थी, तो मैं शांत है, मैंने इनको बोला था कुछ नहीं बोलूंगा जब तक मैं पहुंच नहीं जाता वहां पे। है कोमल, क्या हुआ था? ये रहा भाई स्टेशन नई दिल्ली, और अभी देखते हैं पापा नो आगे अलग कैब में आए तो आगे अलग ही मिलेंगे वो। पापा बोलेंगे भाई सामान सारा पापा नो के पास पहले पहुंच गए, लेट हो गए हम। चलो ज्यादा लेट अभी तो है ट्रेन, मम्मी भाई गुस्से हो रही है भाई, सारा सामान इनके पास था। चलो अब हम आ गए, हमारे भाई बैग का भी चेकअप हो गया अंदर। तो भाई अभी हमारी ट्रेन आने में, इस बार पिछली बार तो भाई चैन खींचनी पड़ गई थी, इस बार टाइम से ही पहुंच गया। तो टाइम से पहुंच के कैसे लग रहा है, इंटरव्यू देना चाहोगे? नहीं चल गई वो भाई, ट्रेन चल गई सामने एक, ये रहा। और हमारा लगेज नहीं भाई, लगेज बहुत लेके आया इस बार हम ना, मम्मी और प्रेम तो गए कुछ लेने, खाने पीने गए खाने। ये जो ट्रेन है ना भाई, इसके सीटिंग वाली है लेकिन इसका गेट ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक वाले मैंने पहली बार देखे यहाँ पे भाई, सच बता रहा हूँ। भाई मैर नहीं उठने वाली आज, सॉरी मत, मैर उठ जाए स्टेशन आके ट्रेन आ गई वो देख, मैं ट्रेन दिखाऊँ, ये देख मैं ट्रेन देखनी है, मेरे ट्रेन आ गई, जल्दी देख जल्दी देख, अभी भी नहीं उठ रही भाई, इसको फुल नींद आ रही है। मेरा ट्रक की आवाज है अभी भाई, धीरे धीरे सवेरा होने लगा, देखो अंधेरे में उठे थे टाइम होते होते, और हमारी फैमिली वाले एंजॉय कर रहे हैं भाई स्टेशन के मजे। तो भाई गाड़ी आने में बस 2-3 मिनट है, और लोग भी उठ गए भाई, अपने अपने डब्बे जाने लगे हैं, तो गाड़ी का डिप्टी D1 D2 D3 जो भी रहता है वहाँ पे लोग पहुँच रहे, तो हम भी अभी फटाफट उठ के चलते भाई फिर। तो गाइस हमारी यहाँ पे अभी ट्रेन भी आ चुकी है, और अभी देखते हैं भाई हमारा डब्बा कहाँ पे लगता है, हम बिल्कुल सही जगह पे हैं कि नहीं है। तो बाकी घर वाले भी खड़े हैं, और देख लो ये D4 है, हाँ D4 इसी भी आएगी गाड़ी। तो भाई सीटें वीटें मिल गई है बढ़िया, और मेरी सीट एक अलग रही थी, तो मैंने अभी खड़ा होकर चल रहा हूँ, अगर होगा तो वापिस चला जाऊँगा पीछे की तरफ ना, मैं भी मेरे साथ है। अच्छा लग रहा ना मैं ट्रेन में, सोने की जगह आगे है जो मेहर ने भी गाड़ी देख ली, मैं देख ली गाड़ी अच्छी है, किधर ये देखो गाड़ी। और अभी टाइम भी हो गया भाई, 6:45 की गाड़ी है बस चलने वाली गाड़ी, तो अभी चढ़ जाते हैं फिर मैं। तो भाई गाड़ी अभी स्टार्ट होगी हमारी यहाँ से, और हम सब बैठ गए अपनी अपनी सीटों पे, वो देखो सामने मम्मी पापा दादी बैठ गए, और ये देखो मेहर मेरे साथ अभी भी नींद में बैठी हुई है। चलो भाई एंजॉय करते रास्ते को, देखते हैं बाहर का व्यू भी देख लो आप थोड़ा बहुत, आपका ही मन कर रहा होगा जाने वाने का। अब नींद आने लग गई है सुबह सोच रहे हैं, क्या बात है जी, एक्टिंग की बात हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है सही। और मम्मी को भी ठंड लग रही है अभी यहाँ पे, मेहर की तो मस्त सीट खुल गई यहाँ पे देखो, अलग ही सीट है उसकी, जिसमें वो रोटी वगैरह रखते ना उसमें सीट बना के बैठ गई है। बताओ आज नाश्ता भी है, तो भाई इनका भी चालू हो गया अब चाय गरम नाश्ता, चाय गरम गरम अपनी चाय भी आ गई भाई, गर्मा गर्म चाय आ गई अपनी। पापा आगे बैठे हुए हैं, ये देखो मम्मी ने चाय किस लिए पकड़ रखी, चाय से कब से पकड़ रखी भाई, 15 मिनट से ज्यादा हो गया भाई। मैथ की मैगी पार्टी स्टार्ट हो गई, वो देखो मैर, ये क्या मैं मेरे पास चॉकलेट आए, कैसे देखा है बेइज्जती होगी, दही होगी अब तो बेटा, अब तो देख मैं देख नहीं रही, दही होगी अब तो, मैगी लाई है मेरे को भी दे दे।
थोड़ी सी मेहर की दवाई पहले पी लेगी फिर उसके बाद टॉफी खाती है ना। अच्छी है ना मेहर? कैसी लगी मेरी दवाई? अच्छी थी? चलो भाई दादी ने पिला दी जैसे तैसे करके। वाली टॉफी खा लो। और दो और नहीं और भी एक बाकी ना। हां आप ये जा सारी ना। मैं उतर रहा भाई, मेरे पीछे सारे उतरने लग गए। वो देखो 1 2 2 मेहर भी। तो भाई अभी भूख लगी थी, घर का खाना थोड़ा खा ले। हरी चटनी बनवाई थी, रोटी और पुलाव चावल अभी खा ले। थोड़ा रोटी वोटी खा लेते हैं। हम अभी रुके हैं अंबाला स्टेशन और हमने लिए ये वाले बिस्किट। मैं दिखाओ और अब नेल्स भी लगाए वाले ट्रेन में। मेहर खा रही है अभी भी बिस्किट। इसने बिस्किट का पीछा ही नहीं छोड़ा, चीड़ी हो गई है मेहर। मेहर चावल खाओ ना, ये देखो कितने यम्मी बने हैं। हम भी खा रहे हैं, देखो वाओ टेस्टी। मेहर एंजॉय कर रही है बाहर के नजारे को। ये भी आ गए यहाँ पे। महल भी मेरे साथ आ गई है और उधर सीटें खाली पड़ी हुई। भाई अब स्टार्ट हो गया है, देखो पंजाब बढ़िया एकदम जो असली पंजाब होता है। देखो सरसों के खेत वगैरह दूर दूर देखो येलो येलो पूरा दिख रहा होगा। देखो बढ़िया लग रहा है एकदम। और भाई वो किला देखो कितनी दूर है, कितना बड़ा किला है। किला है पता नहीं हॉस्टल वगैरह क्या है, बढ़िया लग रहा है वो भी। भी उठ गई थी, दोबारा सो गई है। तो सब उठ गए, देखो अपने सामान वामान ले रहे। तो भाई अभी सारे ना अपना अपना सामान लेके ना खड़े हो गए भाई सीढ़ियों के पास। आपको पता है इंडिया में सबसे पहले यही होता है, स्टेशन आते ही सामान अपने हाथों में। हम फाइनली पहुंच गए अमृतसर गुरुद्वारे, मतलब अभी स्टेशन पे पहुंचे और वो सामने लगा देखो बोर्ड अमृतसर जंक्शन का। बाकी सामान वामान उठा दिया था पापा ने, मैं को लेके आया था भाई। सो रखी थी क्या? अच्छा ऐसे बाहर निकाल के चलाते, चलो ठीक है। अमृतसर गुरुद्वारे ना सबने हाथ मुँह धो रहे अपना। तो अभी चलते हैं भाई, अभी ना देखते क्या होता है भाई, होटल वगैरह बुक करना है। भाई बाय बाय करते अपनी ट्रेन को और चलते आगे। ऐसे बस में नहीं जा रहे, ऑटो में जा रहे हैं। ऑटो देखते हैं यही वाला कर लेंगे शायद। हो गया डन, यही वाला डन हो गया ऑटो। सामान चढ़ा देते हैं बैठे हुए पैर लटकाते लटकाते। और ये देखो हमारे घर वाले। अरे क्या ये? गुरुद्वारे के जितना पास आना था ऑटो ने रोक लिया भाई।
तो मैर भी अभी कर रही है सामान वगैरह ले लेते, ऊपर भी आधा सामान आधा प्रेम ने उतार दिया है। आ जाओ गोदी आ जाओ भाई, मैंने इतना सामान उठा रखा है, मैर अभी भी बोल रही पापा मेरे को गोदी उठा है। मैर देखो थोड़ा सा तरस नहीं आता पापा पे? अच्छा क्या बोल रहे हो? अच्छा तो मैर मेरे को बोल रही थी कि पुलिस आ रही है, हट जाओ, मेरे को गोदी उठाने के लिए नहीं बोल रही थी, समझदार होगी मैर। हाँ हाँ मैंने बोल दिया, समझा दिया सबको। चलो भाई पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, हमने भाई लंगर भी खा लिया ये देखो मेहर का मुँह, उसके बाद अब रूम वगैरह बुक कराएंगे। तो अभी चलो चलते फिर आगे भाई, बच्चों की नींद पूरी हो जाए, इतना मस्ती में आते आते अपने वो। अब इसकी मेहर की नींद पूरी होगी, मस्ती में आ गई अपनी, अब कोई नहीं बोलेगी उठाओ चलो अपना चल रही मस्त। तो भाई मार्केट एंजॉय कर लो, जिसका मन है आने का लेकिन आ नहीं पा रहा वो एंजॉय कर लो यहीं से देख के भी, सही बात है ना। तो लो जी भाई गुरुद्वारा साहिब तो ये रहा, अभी यहीं से दर्शन करो, बाद में पूरे दर्शन कराएंगे, अभी इससे पहले हम होटल वगैरह बुक करवा के रेडी होके फिर चलेंगे गुरुद्वारे। तो जिसने करने दर्शन यहीं से कर लो। तो भाई ये मार्केट है पंजाब की, यहाँ पे सारे सामान मिलेगा हर एक चीज़, और आपका भाई मन कर जाएगा कि ये लेना ही लेना है यहाँ से। बाकी देख लो यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, जूतियाँ वगैरह सब कुछ है। तो भाई फाइनली बहुत मेहनत के बाद ये कमरा मिला भाई, देख लो, क्योंकि गुरुद्वारे वाले जो रूम है भाई वो सबको नहीं मिल रहा है, पहले वो बातचीत अब रही नहीं, अलग होगी चीज़। सब ने भाई अपने अपनी सीटें ले ली, बढ़िया सेट हो गए। ये देखो ये कौन है अंदर, वो ड्रामा नहीं कर रही किसकी सीट है ये? मैं सोऊंगा इधर, तो मैं सोने आ रहा हूँ, हट जाओ आ रहा हूँ। चलो भाई ये तो उनका तो बढ़िया चल रहा है। तो भाई हम जाएंगे गुरुद्वारे, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको। ये वीडियो को भाई लाइक कर देना अगर अच्छी लगी तो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोलता हूँ।